नमस्कार, खबर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कल्पना। पेश करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले खबरें महानगर की। पिछले कई दिनों से राजनीतिक गलियारों में सांसद कल्याण बैनर्जी के मंतव्यों को लेकर चल रही गहमा गहमी पर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने विराम लगा दिया। अभिषेक ने कहा कि ममता बैनर्जी हमारी भी नेत्री हैं और मैं भी किसी और को नहीं मानता हूं। कल्याण बैनर्जी ने भी तो यही कहा है कि ममता बैनर्जी उनकी नेत्री है, इसमें मतभेद या वितर्क कहां से आ गया। कल्याण बैनर्जी ने कुछ भी गलत तो नहीं कहा है। आपको बताते चले कि कल्याण बैनर्जी के मुद्दे पर अभिषेक बैनर्जी ने पहली बार मुंह खोला है। राज्य में कोरोना वायरस से आज एक दिन में 37 लोगों की हुई मौत। कोविड के मामले एक बार फिर से 10,000 के ऊपर दर्ज किए गए। एक दिन में कोविड के 10,959 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कोलकाता में आज कोरोना के मामले कम हुए हैं। इसी क्रम में आज एक दिन में 1,759 नए कोविड के मामले यहां आए। वहीं आज एक दिन में 9 लोगों की हुई मौत। सावधान, 26 जनवरी से पहले राज्य में हो सकता है बड़ा माओवादी हमला। खबर आ रही है कि पुरुलिया और खड़गपुर सेक्शन के रेलवे लाइन पर 26 जनवरी के पहले बड़ा माओवादी हमला होने की संभावना है। खुद आईबी ने इस बात की चेतावनी दी है। निकासी से रिस रहे माँ फ्लाईओवर की होगी मरम्मत, सजाया जाएगा फ्लाईओवर। जहाँ तहाँ उगे पेड़ फ्लाईओवर को कर रहे कमजोर, 1.11 करोड़ रुपए का फंड जारी। जिलों से जुड़ी खबरों पर एक नजर। कोरोना टीका के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने से संपत्ति कर में 25% की छूट दक्षिण दमदम नगर पालिका द्वारा दी जाएगी। बहु बाड़ी ते बकेया टैक्स रहे, কোনো কোনো জায়গায় বকেয়া ট্যাক্স বিশাল পরিমাণ, মানে লক্ষ লক্ষ টাকা হয়। তো বকেয়া ট্যাক্স যদি দেন, আমাদের ফান্ডে কিছু টাকা আসবে, মানে মিউনিসিপ্যালিটি ফান্ডে টাকা আসবে, এবং সেই সঙ্গে সেই মানুষটিও ট্যাক্স ক্লিয়ার করে একটা জায়গায় দাঁড়াতে পারবেন। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ভ্যাকসিনেশনটা নিচ্ছেন না, তারা ভ্যাকসিনেশনটাও নেবেন, ওল্ড এজ হোক আর যেই এজ হোক না কেন। সেই জন্য আমরা একটা এই ললিপপ ঝুলিয়েছি আর কি, যে আপনি যদি দেখাতে পারেন যে দুটো ডোজ আপনি নিয়েছেন, তাহলে আপনার বকেয়া কর 25% কমাবার ব্যবস্থা আমরা করব। बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं। दरअसल पानीहाटी के बिलकांदा बोर्ड घर निवासी डॉक्टर आशुतोष केतेनिया के घर पर गत रात बमबारी की घटना के बाद आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भाजपा सांसद अर्जुन सिंह। वहां अर्जुन ने डॉक्टर आशुतोष केतेनिया से मुलाकात की और घटना को लेकर जानकारी ली। उन्होंने उस दौरान कहा कि राज्य में भयावह स्थिति है, तृणमूल के गुंडों से डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो ये आम लोगों को कितना आतंक में रखते होंगे। शिवमंगला तक क्यों सुरक्षित नहीं, डॉक्टर सुरक्षित नहीं, एक वर्ग साधारण चाषी भाई सुरक्षित नहीं, एक दुकानदार सुरक्षित नहीं, एक रिक्शा वाला भाई सुरक्षित नहीं। तृणमूल পুরো দলটা ক্রিমিনালদের হাতে চলে গেছে। একটু যারা এখানে মধুচক্র চলবে, গাঁজা বিক্রি হবে, কেউ যদি প্রতিবাদ করে তাকে বোম মেরে ভয় দেখাতে হবে, পাড়ার লোককে ভয় দেখাতে হবে, এই ধরনের কাজ হচ্ছে। আর সবথেকে বড় ব্যাপার আছে, যার উপরে মানুষ ভরসা করবে, যে প্রশাসন উপরে, প্রশাসনটাকে পঙ্গু বানিয়ে রেখে দিয়েছে। আব রুখ করতে হ্যায় দেশ বিদেশ কি খবরোঁ কি ওর। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। 2007 से सपा यहां से लगातार जीतती आ रही है। 2017 की मोदी योगी लहर में भी पार्टी को 50% वोट मिले थे। मनोरंजन की खबरों पर एक नजर। बिग बॉस 15, देवोलीना और अभिजीत में छिड़ी जंग, एक ने काटा तो दूसरे ने उठाया पत्थर। कल का मौसम। महानगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। थोड़े बादल छाए रहेंगे। सभी खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए देखते रहिए खबर एक्सप्रेस। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।